हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रचना पलक ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है संडे। सो आप सभी को हैप्पी संडे। और आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे पापा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हैप्पी फादर्स डे। और वैसे भी कॉल करने वाली हूँ। और ये देखो, यहाँ देखो, ऐसे लेट के कौन मोबाइल चलाता है? नीचे पड़ी है, देखो गैलरी में नीचे पड़ी हुई है। हाय गाइस, आओ मोबाइल चलाते। सो ये है अभी यहाँ पे, और मतलब लेटी हुई है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे, ये देखो, मीठे वाले भजिया जिनको गुलगुला बोलते हैं, और थोड़े से प्याज के पकौड़े, और ये मैंने डाल दी है उड़द की दाल, और इसी में थोड़ी सी मूंग की दाल भी मिक्स कर दी है, गलने के लिए रख दी। इसके बनाएंगे हम शाम को दही बड़े। अभी नहीं बना रही हूँ, शाम को बनाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं, बनाते हैं पकौड़े, क्योंकि इस ये भी आई है ना अभी मेरी बहन, तो इसको खा लूंगी ना। हाँ, इसको भी खिला दूंगी थोड़ा बहुत, जितना भी खाएगी, और इसके बाद में हम भी खा लेंगे। और एक आए हैं ड्यूटी, तो पलक अभी जिद कर रही है इनको पापा को कुछ गिफ्ट देना है। क्या देना है गिफ्ट अब पता नहीं है, मेरे से बोल रही है आप चलो मम्मा और पापा को कपड़े दिलाओ, मैं कपड़े दूंगी। तो बेटा कपड़े देंगे, आपके पास पैसे हैं क्या कपड़े देने के लिए? बता। अच्छा, अरे मैं गिर जाऊंगी। अच्छा, आप पेन और डायरी पे आ गए, आप क्या दोगे? पेन और डायरी। आप कपड़े नहीं देना? कपड़े के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, आप कमाते हो क्या जो बोल रहे हो पैसे नहीं है? हाँ, क्यों? आपके पास है, आप हमें देते ही हैं। तो अभी आप छोटे हो ना पैसे देने लायक, थोड़ी ना बड़े हुए हो। चलो खड़े हो जाओ। चलो दे देंगे अपने पापा को गिफ्ट, और इनसे भी पूछते हैं ये क्या गिफ्ट देने वाले हैं। पापा मान दिखाओ बेटा आवाज, ये भी इनसे भी पूछ लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या गिफ्ट देने वाले हैं पापा को। क्या गिफ्ट देने वाले हो आप पापा को, बताइए क्या गिफ्ट देंगे पापा को? आज फादर्स डे है ना। मेरा गिफ्ट खराब हो गया। आपका गिफ्ट खराब हो गया? ऐसे कैसे हो गया? आप डायरी देंगे और दीदी पेन देगी? डायरी। अच्छा, पापा को डायरी दोगे आप? सो गाइस, देखो आप लोगों ने सुन लिया ना, दोनों, एक पेन देने वाला है, एक डायरी देने वाली। और यहाँ पर देखिए, आप लोग भी देखो, यहाँ पर देखिए, लाइट ऑन करी हूँ, ये देखिए यहाँ पर इन लोगों, इसने बनाया है, ये देखो डेकोरेशन किया है, छोटा सा खिलौने इसके पड़े हुए थे, उसके ही खिलौने से, इसके ही खिलौने से इसने एक, इस पे देखो कार्ड बनाया है, ये देखिए, ये देखिए कार्ड बनाया है, हैप्पी फादर्स डे लिखा हुआ। बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को। फैमिली ये देखिए, इसने लिखा है हैप्पी फादर्स डे, अच्छे से लिखते नहीं बना है पर लिखा है उसने हैप्पी फादर्स डे। तो ये देखिए, ये बनाया है मेरी लड़की ने, वाह बड़ा प्यारा लग रहा है, कार्ड बनाया है। और पता है, देखो ये देखो, चटाई की जो रस्सी रहती है वो निकाल के उससे बांध दिया, मेरे से धागा मांग लेती, ऊन मांग लेती, मेरे पास ऊन रखा था। अरे क्यों? हाँ हाँ, मेरे पास ऊन रखा था, वो मांग लेती, वो उससे बांध देती, इसको निकाल के धागा से बांध दो। हाँ, मैं दे रही हूँ अभी, ठीक है, उससे अच्छा लगेगा, पापा खुश हो जाएंगे, मेरी लड़की ने इतनी मेहनत की है गिफ्ट देने के लिए, पापा को खुश करने के लिए। और ये देखो, कभी कभी तो लाती हूँ मैं उनके लिए। हाँ, कभी कभी लाते हो, कितनी बार लाए हो? आज आज ही कभी नहीं लाई। अच्छा चलिए, तो और आप कुछ देना चाहते हैं अपने पापा के लिए? मैं पापा के पास जाके पापा वैसे खुश हो जाएंगे, मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। तो चलिए गाइस, बनाते हैं भजिया, इन लोगों की तो सुन ली आप लोगों ने कि ये लोग क्या क्या गिफ्ट देने वाली हैं और क्या क्या करने वाली हैं। ये देखो, ये म्यूजिक ला के रखेगी बिल्कुल, ये समझती नहीं है। तो ये बन गए सभी प्रकार के भजिया, ये मीठे भजिया, ये बिना प्याज के भजिया, ये प्याज वाले भजिया।
क्योंकि बच्चों को प्याज वाली भजिया पसंद नहीं है तो उनको बिना प्याज के बना दिए, हमने प्याज वाली बना ली, और ये मीठे वाले बच्चों को पसंद है तो बना लिए बच्चों को। और ये देखो अभी और बन रहा है। और ये देखो हेलो थोड़े कच्चे ही भजिए, थोड़ा सेक लो उनको। हेल्प तो कुछ कर नहीं रही, और बोल कच्चे ही भजिए सेक लो उनको, आके बनाने चाहिए ना, मोबाइल में लगी पड़ी हो। मैं थक गई हूँ, ड्यूटी कर कर आई हूँ। हाँ हाँ ड्यूटी करके आई हूँ। क्या है, तुमने तो नहा धो लिए, तैयार होके बैठी हो मस्त जीजू के इंतजार में। हाँ तो आज मैं गई नहीं हूँ इसलिए बैठी हूँ। अच्छा उतनी रहने तुम क्या? बस ना बाद में लूंगी। बच्चा पार्टी और लेके जाओ रे। पूरा मत देखा किचन किचन कितना अच्छा पढ़ाए। क्या काटना पड़ेगा? बोल रही है किचन कैसे पड़ा है, तो यार संडे का दिन है और अब बना रहे तो सब किचन तो गंदा हो गई ना, ऐसे बोल रही है। किचन गंदा पड़ा है, थोड़े से और बना लेती हूँ, कम पड़ रहे हैं, पढ़ेंगे मतलब अभी पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे। हम भी हैं लाइन में। कौन? आप कौन? वही दुश्मन। मैं तो आपको जानती ही नहीं। कौन? तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारे घर में एक ऐसी लड़की भी रहती है। पापा जी आ गए इनके। चलिए गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या चाहिए? चल रही हूँ ना, अभी दिला दूंगी, अभी चल रही हूँ तो दिला दूंगी, तो दे देना। गिफ्ट चाहिए।